आर रिलेशनशिप्स एक्चुअली कंट्रोल हाउ वी फील इन आवर लाइफ. सबसे पहला आता है कि सही पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कैसे करें, एंड दूसरा एस्पेक्ट है कि वो रिलेशनशिप को मेंटेन भी तो करना है. People are trying to find love on social media and different apps. Most of the people know what they don't want. आपने जब ये पूरी लिस्ट बना ली फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की, अब आप उसको देखिए और सोचिए कि इनमें से कितनी क्वालिटीज आप में खुद हैं. जैसे ना रिलेशनशिप्स आर हार्ड वर्क, आई से रिलेशनशिप्स आर हार्ड वर्क. मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ इज सो डैमेज्ड, तो आप वही डैमेज पार्टनर बार बार अट्रैक्ट करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हील फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप एंड अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप, और उस एनर्जी को हमें ड्रॉप करना. अब फेस टू फेस आते हो तो मेमोरीज कम बैक इन योर माइंड इन योर लाइफ, आउट ऑफ योर माइंड आउट ऑफ योर लाइफ. फाइव थिंग्स दैट दे कैन, वेरी सिंपल थिंग्स दैट दे कैन डू एवरी सिंगल डे व्हिच विल मेक देम रियलाइज ईच अदर्स वैल्यू देयर वर्थ. Morning everyone, मैं हूं शिवोहम. और मैं हूं वृंदा, and welcome to our channel Body, Mind and Beyond. आज की एपिसोड में we're going to be talking about relationships. We all want to experience a beautiful, loving, caring relationship, and we are going to learn from Vrinda how to attract the right person in our life so that we can have a successful relationship. लेकिन एपिसोड चालू करने से पहले please remember to like, subscribe and share. And remember, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, so please put it down in the comments and we will definitely try and make an episode on it. Let's begin with today's episode. Let's understand about relationships. So Vrinda, please tell us about how to manifest the perfect relationship and attract the perfect partner in our life. So before we begin, I want everybody to understand कि एक बहुत simple fact अपने आप के बारे में, कि वी आर नॉट जस्ट सॉलिड बॉडीज एग्जिस्टिंग इन अ सॉलिड यूनिवर्स, वी आर पावरफुल एनर्जी बींग्स पल्सेटिंग इन अ वाइब्रेशनल यूनिवर्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें हमारा जो रिलेशनशिप है बाकी वाइब्रेशनल बॉडीज के साथ, वो हमारे सुख या दुख का सबसे बड़ा कारण होता है. सो आर रिलेशनशिप्स एक्चुअली कंट्रोल हाउ वी फील इन आवर लाइव्स, एंड ऑफकोर्स वी ऑल वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव इन एवरी रिलेशनशिप. But this particular episode, of course, we're talking about your significant other, मतलब कि आपके partner के बारे में बात करते हैं. Correct. तो partner का इसके साथ जो relationship है, उसमें जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है कि सही partner को अपनी life में attract कैसे करें. And दूसरा aspect है कि वो relationship को maintain भी तो करना है. Attract आपने कर लिया, आपने relationship start भी किया बहुत high note पे. But then we see that somewhere something goes wrong. So we will talk about both of these aspects. Aspects ki how to attract the right partner into your life and how to maintain a beautiful relationship with that partner. To begin karte hain how to attract the right partner. So Shivam, isme ek bahut bada issue aata hai ki because hum manifestation ki baat karte hain, so usme hota hai ki pehle to aapko clarity hona chahiye ki aapko chahiye kya, what kind of a partner do you want. So most of the people know what they don't want, कि उनका पहला रिलेशनशिप कैसा था, वो खराब था, तो उनको पता हाँ मुझे वैसा नहीं चाहिए. लेकिन हमारे ब्रेन में ऐसा वो प्रोसेसिंग नहीं होता है कि नहीं चाहिए. हम बोलेंगे सेल्फिश पर्सन नहीं चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन नहीं चाहिए. तो द ब्रेन इज ओनली रजिस्टरिंग सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड. वो नहीं चाहिए नहीं आ रहा है. तो माइंड में ये नेगेटिव वर्ड्स आने नहीं चाहिए. आप जब लिखते हैं उनको ये नेगेटिव वर्ड्स आने नहीं चाहिए. So you will write down all the qualities that you want in a partner. इसके बारे में आप definitely उसको detail thought दीजिए. आप अकेले बैठिए, उसके बारे में सोचिए कि कैसी life आपको चाहिए, what kind of a relationship you want and what kind of a partner that you want. तो आप एक pen और paper लीजिए and you start writing down the qualities. और usually जो हम qualities लिखते हैं, you will write looks के बारे में, you will write हमारे interests same होने चाहिए. कई लोग तो ऐसे भी लिखते हैं हाइट ऐसी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यू ऑल्सो हैव टू राइट द ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर. द पर्सन शुड बी फेथफुल, द पर्सन शुड बी कम्युनिकेटिव, द पर्सन शुड बी अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टफुल. रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का.
जब आप क्लैरिटी से लिखते हो सारे ट्रेट्स, आपको क्या चाहिए फिजिकल लेवल पे, मेंटल इमोशनल लेवल पे, व्हाट डू यू नीड, आपकी नीड क्या है, देन वन एस्पेक्ट दैट आई वुड सजेस्ट दैट पीपल ऑलवेज शुड इंक्लूड इन मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप इज स्पिरिचुअल. सो आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल जरूर होना चाहिए. व्हाई इज दिस सो इम्पॉर्टेंट? आप सोचो कि एट द मेंटल एंड द फिजिकल लेवल वी आर ऑलवेज चेंजिंग, राइट? कि आपको, आप क्या थ्रू आउट योर लाइफ एक टाइप का खाना खा सकते हो? नहीं. आपका एक ही इंटरेस्ट रहता है थ्रू आउट योर लाइफ? नहीं. यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. डू यू लाइक द सेम थिंग्स जो आप लाइक करते थे व्हेन यू वर 15 इयर्स ओल्ड और इवन व्हेन यू वर 25 इयर्स ओल्ड? वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एट द मेंटल इमोशनल लेवल. एट द फिजिकल लेवल वी आर चेंजिंग. तो आप चाहो कि आपका पार्टनर सेम दिखे जब उनको आप पहली बार मिले थे व्हेन यू वर 25 और 35 इयर्स ओल्ड थ्रू आउट योर लाइफ? नॉट पॉसिबल. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी लिख रहे हो फिजिकल और मेंटल लेवल पे वो बदलने वाला है. करेक्ट. इट्स गोइंग टू बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. चेंज इज इनेविटेबल. चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट. इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट. तो जब हम लिखते हैं और जब हम अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, आपने चाहे वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट भी कर लिया, बट देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स पीपल स्टार्ट चेंजिंग. करेक्ट. और सो वो कन्फ्यूजन आता है कि क्या हो रहा है, व्हाई आर वी ड्रिफ्टिंग. सो हमने जो दो चीज़ें, दो एस्पेक्ट्स के बारे में हम लिखते हैं मैनिफेस्टेशन में, आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स कि राइट अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. द ओनली अनचेंजिंग पार्ट अबाउट अस, यू मी एवरीबडी हु इज वॉचिंग, इज द स्पिरिट. दैट इज द ओनली अनचेंजिंग पार्ट. स्पिरिचुअल लेवल पे आपको कनेक्ट करना और अट्रैक्ट करना ऐसा पार्टनर बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटली और फिजिकली और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. और व्हेन यू हैव अ स्पिरिचुअल बॉन्ड व्हिच इज आवर ट्रूथ, व्हिच इज आवर रियलिटी, व्हेन यू हैव अ स्पिरिचुअल बॉन्ड, ऑफ कोर्स थ्रू आउट एज द रिलेशनशिप गोज यू विल हैव डिसएग्रीमेंट्स, यू विल हैव आर्ग्यूमेंट्स, बट नथिंग इज डैमेजिंग. सो आपने जब ये पूरी लिस्ट बना ली फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की, अब आप उसको देखिए और सोचिए कि इनमें से कितनी क्वालिटीज आप में खुद हैं. आपको वो हर एक क्वालिटी खुद बनना पड़ेगा. Correct. And that is the only way you can attract a similar person into your life. आप में अगर उनमें से कोई quality नहीं है, तो it is very hard for you to attract Correct. That kind of a person into your life. आप खुद spiritual नहीं हो. How will you ever attract a spiritual partner? You are not yourself respectful. You are not understanding. How will you attract an understanding and a Correct. Respectful partner? Somebody wise said, "Be the change you want to see." Yes. So well said. You have to be the change that you want to see around you. Unne kaha tha in the world. Most of the times, your relationship with yourself is so damaged. To aap wahi damaged partner baar baar attract karte hain. What I mean that your relationship with yourself is damaged, yeah, iska matlab kya hai? Ki hum maximum baat apne aap se karte hain. Yeah, we think hamare, who is the closest to us? We'll think our parents or our girlfriend or boyfriend or friends. No, it is you. You talk to yourself the most. So, hum apne hi saath bahut harsh hote hain. Ki we keep repeating in our minds, I'm not pretty, I'm not good looking, I'm not successful, I'm not even worthy of love. Can you imagine? Aapka relationship jo aapke saath hai, wo aapko improve karna padega. Aapki self-worth, आपकी वर्दीनेस, आपकी वैल्यू आपको क्रिएट करनी पड़ेगी. वेरी वेरी सिस्टमैटिकली यू प्रैक्टिस दिस एवरी डे. आई एम अमेजिंग, आई डीपली लव माई सेल्फ, ये बहुत पावरफुल एफर्मेशंस हैं. सो अंडरस्टैंडिंग कि कपल के बीच का जो डायनामिक्स है वो यूनिक होता है. तो देर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन, क्योंकि वो कंपेयर नहीं किया जा सकता. कि आप बोलो कि नहीं उनका रिलेशनशिप देखो कैसा है, वो इंडिविजुअल्स ही अलग हैं, दे आर यूनिक पीपल. तो इस नजरिए से जब हम देखें तो डोंट गो फॉर परफेक्शन. यू डिसाइड आपको क्या चाहिए. एंड व्हेन यू रिटन इट वेरी क्लियरली सक्सिंक्टली, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ इन ऑल दोस ट्रेट्स. एंड यू राइट, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई लव माई सेल्फ, आई अनकंडीशनली लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ. सो जब ये प्रोग्राम आप में डीपली इंग्रेन होगा, and of course simultaneously jo principles manifestation ke hote hain, then you visualize it, you visualize having a loving relationship.
You visualize having, going on trips or whatever matters to you, but you visualize communication. Correct. You visualize sitting with your partner and having deep conversations about deeper matters of life. Otherwise, we usually see that couples, after a while, they have nothing to speak to each other about. And इस एस्पेक्ट में कभी कभी ऐसा होता है शुभम कि हमारे पास्ट रिलेशनशिप्स इतने डैमेजिंग होते हैं अनफॉर्चुनेटली कि हमें वो पॉजिटिव विजन ही नहीं आता कि और वो होप ही नहीं मिलती है कि आई कैन ऑल्सो हैव अ लविंग रिलेशनशिप आई कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस लव एंड इवन इफ वी डू वी क्रिएट इमेजिनरी सिचुएशंस व्हिच हैव नॉट हैपेंड व्हिच एंड अप मैनिफेस्टिंग दोस एंड इट ऑल गेट्स थ्रोन अवे ऑफ कोर्स कि आप अपने पास्ट में जो भी आपने एक्सपीरियंस किया था आप अपने करंट रिलेशनशिप में उसको प्रोजेक्ट करते हो जी एंड दोनों लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है जो पास्ट में आपके साथ थे या अभी सिचुएशन में आपके साथ हैं बट वो आपने लेट गो नहीं किया पास्ट को करेक्ट अभी एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप होता नहीं है कि वी ट्राई टू जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप एंड एवरीबॉडी नोज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोज विल नॉट वर्क क्योंकि हमने पहले रिलेशनशिप से हील किया ही नहीं है So it is very important for us to heal from a past relationship, an unsuccessful relationship, और उस energy को हमें drop करना होगा. Correct. ये energy को drop कैसे करना है? You will have to learn how to forgive. जो ये hate और ये vengeance की feeling होती है ना शिवम, it's like dark and it's sticky. It sticks to you. तो आपको कहीं ना कहीं वो hate को कम करना पड़ेगा. और उसका सबसे पहला स्टेप है सबसे पहला तो नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉरगिव करना एक तो हो गया वो इंसान को फॉरगिव करना और ये सब मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है नहीं तो लोग ऐसे वर्ल्ड ऐसे डाउनवर्ड स्पाइरल में फंसे हैं कि जैसे कि हम रोज मैनिफेस्ट करते हैं वी आर ट्राइंग टू विजुअलाइज ट्राइंग टू इमेजिन बट वो सही इंसान ही नहीं आ रहा है हमारी लाइफ में क्योंकि समवेयर दे हैव नॉट लेट गो ऑफ देयर पास्ट पैटर्न्स और अगर आ रहा भी है तो वही पुराने जैसे सिचुएशंस आ रहे हैं और ये एक नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट है कि आपको पास्ट को भूलना पड़ेगा एक और एस्पेक्ट होता है शिवम खुद को फॉरगिव करना वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव आवरसेल्फ हमारे माइंड में इतना रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा किया कैसे क्यों कर लिया ऐसा क्यों हो गया सो दैट नेगेटिव इमोशन अबाउट आवर ओन सेल्व्स इज ऑल्सो वेरी वेरी डेट्रीमेंटल क्योंकि अगेन मैंने जैसे बोला कि सबसे पहला रिलेशनशिप जो आपको हील करना है Is with yourself. तो आपको खुद को भी forgive करना सीखना पड़ेगा और हर चीज practice से होती है over time होती है और consistently आपको उसको करना पड़ेगा and over time you will see. So how do we forgive ourselves? By telling yourself, I forgive you. Look in the mirror and say, I forgive you. You are amazing. Everybody makes mistakes. Mistake करना गलत नहीं है लेकिन same mistake को दोहराना definitely it's a problem. In fact, healing from a broken heart के बारे में I will actually make another podcast. We will do it for people because वो बहुत important है Correct. और उसकी proper techniques हैं, उसका proper process है. So we just spoke about forgiving the partner, forgiving yourself. Sometimes we also have to ask for forgiveness. Correct. कि जहाँ हम गलत हैं, हर इंसान को दिखना चाहिए कि आप गलत कहाँ हो. So जब आपको दिखता है कि इस situation में yes you are the cause of pain. You have to also ask for forgiveness. और चाहे आप फिजिकली वो इंसान को फेस नहीं कर सकते मे बी दैट पर्सन डजंट वॉन्ट टू सी यू यू कैन इवन मेंटली आस्क फॉर फॉरगिवनेस आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू सो ये तीन एस्पेक्ट जब कहीं ना कहीं हम रेगुलरली इनको प्रैक्टिस करते हैं फॉरगिवनेस के देन वी स्टार्ट काइंड ऑफ हीलिंग फ्रॉम द पास्ट फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट और वो होना बहुत जरूरी है बिकॉज अदरवाइज यू कैन नॉट मैनिफेस्ट अ बेटर फ्यूचर विद अनदर पार्टनर आई रिमेंबर कि बैक इन द डेज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय ट्रांजिशन एंड यू आर हेल्पिंग मी थ्रू द ट्रांजिशन एंड स्पेशली दिस वे देयर वाज अ संस्कृत वर्ड दैट यू यूज्ड व्हिच मेंट कि जो पुराने रिलेशनशिप्स है उनको आप किसी ना एक एस्ट्रली या emotionally or mentally you cut them off ronanaband correct yes so that's a karmic give and take and that karmic give and take has to be leveled nahi to aap jis insaan ko itna dislike karte ho aap usse sabse zyada attached rehte ho so emotional energy the emotional charge around it uski practices bhi hoti hain which need to be done every day so that wo jo ek bond bana hua hai ek negative bond bana hua hai usko todna bahut zaruri hai nahi to aap aage badh nahi paoge
And it's amazing because जो भी आपने सिखाया था, whether it's with any of the partners or whether it was with a work colleague or whatever, जब वो practices की हमने, even being in the same city, they disappeared. I mean, it is a blessing, it is a grace, कि you never have to, even though you're out there, आप face to face कभी नहीं आते, because of course then आप face to face आते हो तो memories come back, but it luckily it's never been like that. इसमें एक बहुत simple understanding है शुभम, तो मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, in your mind, in your life, out of your mind, out of your life. So, जो आपके माइंड में कॉन्स्टेंटली घूमेगा वो आपकी लाइफ में आपको दिखेगा. दिस इज द फंडामेंटल ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो वट एवर इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन इन योर माइंड एंड यू आर फीडिंग इट विद योर एनर्जी ऑल्सो. ओह आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू सी दिस पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू एवर फेस दिस पर्सन, वही इंसान दिखेगा. लाइक आई सेड कि माइंड में डोंट नहीं होता है वर्क, वो सिर्फ होता है फेस दिस पर्सन, कम फेस टू फेस विद समबडी. सो अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है और उसको स्पेसिफिकली हर एस्पेक्ट में यूज़ करना, रिलेशनशिप्स में यूज़ करना. तो जब हम बात करते हैं, अभी हमने फॉरगिवनेस कर दिया, ऑल दैट लेवल इज क्लियर, वी आर ट्राइंग टू बिकम द न्यू पर्सन. और मैंने बात की कि आपको कभी कभी विजुअल्स नहीं आते, बहुत मुश्किल होता है. जिसने कभी हैप्पी रिलेशनशिप देखा नहीं वो कैसे इमेजिन करे, तो तब आते हैं विजन बोर्ड्स. सो विजन बोर्ड्स क्योंकि हमें दिखता है, देन वी कैन, दैट गिव्स अस अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन. तो फिर हम विजन बोर्ड्स के सहारे से, यू एंड यू बी प्लेफुल अबाउट विजन बोर्ड्स, आपको जो भी उसमें डालना है, वेदर इट्स पिक्चर्स ऑफ कपल्स, आई वुड से टेक योर पिक्चर्स, या कपल्स के पिक्चर्स है तो आप अपना फेस सुपर इम्पोज कर सकते हो. तो मेक अ विजन बोर्ड एंड कीप इट विथ यू, और जहां आप उसको बार बार देख सकते हो, एंड बार बार देख सकते हो, एंड समटाइम्स इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप सबकी नज़र उस पर नहीं पड़नी चाहिए. क्योंकि लोगों का डिसबिलीफ होता है, वो कहेंगे क्या बनाया है, तो वो डिसबिलीफ फिर आपकी एनर्जी को कम करता है. सो दिस इज द एस्पेक्ट. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शुभम, जब हम अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन की बात करते हैं ना, तो लोग कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी ट्रेट्स को छोड़ के एक इंसान को मैनिफेस्ट करने की ट्राई करते हैं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू डू दिस. यू कांट मेक अ पर्सन कम इन टू योर लाइफ. It is actually wrong. क्योंकि वो इंसान की अपनी likes हैं, अपनी dislikes हैं, अपनी इच्छाएं हैं. आप वो इंसान को थोड़ी फोर्स कर सकते हो आपके साथ जीने के लिए. So understand कि आप सिर्फ एक traits manifest कर सकते हो. But say अगर boyfriend girlfriend है और situations in their life are not allowing them to come together, तो अगर वो दोनों साथ में बैठ के अगर manifest करेंगे तो क्या वो फिर साथ में आ सकते हैं? When two people, जब couple हैं, वो साथ में बैठ के manifest करते हैं, जो अपने एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन situations allow नहीं कर रही. When they sit and manifest together, ये बहुत ही stories आप सुनोगे कि yes, situations बदल जाती हैं, family agree कर जाती है, उनकी जो अगर financial restraints थे वो solve हो जाते हैं. So yes, but two people have to be wanting to be in that relationship. ये नहीं कि एक इंसान को पता भी नहीं कि आप exist भी करते हो, आपको कहे नहीं मुझे वो इंसान ही चाहिए और ये सब क्वालिटीज के साथ चाहिए, तो फिर नहीं होगा. एंड शिवम, जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं, मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज की बात करते हैं, तो इसमें स्पिरिचुअलिटी, हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो बहुत काम आती है, हमारी स्पिरिचुअल सीकिंग बहुत काम आती है. कि ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ शिवम, देयर इज अ ब्यूटिफुल ब्लॉसमिंग ऑफ लव इन एवरी ह्यूमन बींग सोल. कोई बाहर दूसरा इंसान नहीं है, आपके अंदर एक इतनी ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ लव लव जागती है कि यू बिकम लव. आई रिमेम्बर आई यूज टू से दिस, सो आई सेड आई डोंट वॉन्ट टू बी इन लव, आई एम लव. सो कैन यू इमेजिन व्हेन अ पर्सन बिकम्स लव, हाउ विल दे नॉट अट्रैक्ट लव इन टू देयर लाइव्स. बट दिस फीलिंग कि आई एम लव, दैट हैपन्स ओनली ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ. जब आपको ईश्वर से ही इश्क हो जाए, हाउ ब्यूटिफुल वुड दैट बी. So this is what bhakti is. So we're talking about relationships. So bhakti is a very important aspect of even a relationship between two people. Your relationship with divinity. Correct. Makes you feel love for no reason. Ek to aapki life ka flavor badal jata hai.
यू नेचुरली स्टार्ट फीलिंग नॉट वेरी लोनली, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर. नहीं तो क्या होता है, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पी रिलेशनशिप और मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक गुड पार्टनर इन टू आर लाइफ, बट सुबह से लेकर रात तक वी आर अनहैप्पी. वी आर स्ट्रेस्ड आउट, वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट आर सेल्व्स, वी आर जस्ट फीलिंग सैड इन लाइफ. तो ये कहीं ना कहीं वेन यू स्टार्ट फॉलोइंग अ स्पिरिचुअल पाथ, यू फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, इट इज गोइंग टू गिव यू नेचुरल हीलिंग. भक्ति इज अ पाथ ऑफ लव. और ये रिलेशनशिप आपका आपके इष्ट देव के साथ जो भी हो, उनका कोई भी नाम हो, आप यूनिवर्स, यू कैन फॉल इन लव विद द यूनिवर्स, विद नेचर, विद प्रकृति. सो फीलिंग दैट, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग. लव है क्या? फीलिंग ही तो है. आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है कि वी मे बी इन योर नेक्स्ट वन और टू एपिसोड्स वी टॉक अबाउट दिस, बिकॉज जैसे आपने बोला कि अगर ये वाला पॉडकास्ट इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी वॉन्ट टू टीच पीपल हाउ टू अट्रैक्ट द राइट पर्सन इन टू देयर लाइफ. और अभी आप जो बोल रहे हो कि इस सारी चीज़ का फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी है, कहीं ना कहीं आई थिंक पीपल आर ऑल्सो जो न्यू सीकर्स हैं वो भी शायद जानना चाहते होंगे कि हाउ टू बी स्पिरिचुअल. भक्ति क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये लव क्या है. तो आई थिंक वी शुड प्रॉब्ली डू एन एपिसोड ऑन दिस के पीपल अंडरस्टैंड बेटर. फॉर श्योर. इफ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली डू इट. पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड लव ऑन सोशल मीडिया एंड डिफरेंट एप्स. व्हाट वुड यू से, मतलब to those people जो different apps है, जैसे Tinder है और ये सारी apps है, वहाँ पर they are trying to find the perfect partner, तो उसका कुछ मेरा मैंने कभी experience नहीं किया, so I cannot comment on that. Maximum वो आपको किसी को मिलने में मदद कर सकते हैं probably, but mostly might not be the right kind of person. तो मैं that's what I mean to say कि आप पहले clarity रखो कि आपको कैसा partner चाहिए, आपको किस type का relationship चाहिए, आपको अगर रिलेशनशिप चाहिए भी कि नहीं चाहिए, कि आपको सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन चाहिए. सो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज देन यू विल बी गाइडेड इन द राइट डायरेक्शन. तो आपने वो इंसान को अट्रैक्ट भी कर लिया, आप रिलेशनशिप में भी आ गए, तो मतलब कि आपकी या तो शादी हो गई या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं. तो लोगों को लगता है कि लव इज दैट बटरफ्लाई फीलिंग. आई लव इज दैट बटरफ्लाई फीलिंग व्हेन यू मीट समवन. आई से love is what is left after the butterfly feeling when you have been with someone. So that undercurrent is love. Correct. So excitation is not love. Wo chota aspect hai love ka. That's just attraction. Main story start hoti hai jab wo insaan aapki life mein aa gaye. Wo jise log bolte hain honeymoon period. Honeymoon phase. Honeymoon phase. So ek meko baat yaad aa rahi hai. आई थिंक सदगुरु ने बोली थी कि लोगों को लगता है ना कि जस्ट दिस ब्यूटिफुल पर्सन शुड कम इन टू माई लाइफ एंड इट्स गोना बी अमेजिंग. सो ही सेड पीकॉक्स भी लोगों को बहुत ब्यूटिफुल लगते हैं. ये कभी आप पीकॉक को घर पे रख के देखो, सीइंग द बर्ड इज सो लाउड एंड द बर्ड इज सो मेसी कि आप यू विल हेट द बर्ड. तो किसी इंसान के साथ रहना, उनकी सब गुड क्वालिटीज बैड क्वालिटीज के साथ रहना एक सिंपल प्रोसेस नहीं है. आप और एक ये बहुत आई फील कि यू शुड अ कपल शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन सच अ वे कि वो इतना टफ टास्क हो ही ना. और एडजस्टमेंट्स की बात होगी तो 1001% देयर आर टू इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर, तो एडजस्टमेंट्स तो इज नेचुरल. ऑलवेज अ कंटीन्यूअस वर्क इन प्रोग्रेस ऑलवेज, बट व्हेन देयर इज एन अंडरकरंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी it doesn't feel like work. Correct. They say na relationships are hard work. I say relationships are heart work. Usually kya hota hai usko hum dabane lag jate hain. We don't tell the person that I don't like it, we let it slide. To jab wo koi cheez choti bhi ho na express kar do, aur bolne ka tarika hota hai. Correct. You can say it with utmost love. Wo aap kisi ko gaali bhi doge na lekin pyar se doge to wo gaali nahi lagti. It's not what you say, it's how you say it. Exactly. लेकिन गाली देना भी मत. I don't like abuses. But yes. नहीं, वो तो जब आप दूसरे को respect करते हो तो automatically मुंह से ill words या गाली या abuses निकलेंगे ही नहीं. So coming to you manifested the right person into your life,
then I always recommend, because I work a lot with couples, I do a lot of therapy sessions with couples, and they get great results, they get great benefits as well, because dono apne aap pe kaam karte hain. Correct. It's not a finger pointing space. Ki tum aise ho, tum aise ho. Har insaan apne aap pe kaam karta hai to embody jo bhi qualities unne likhi hain. Correct. तो जैसे हमने राइट पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वी स्टॉप मैनिफेस्टिंग द रिलेशनशिप. वो रिलेशनशिप को मेंटेन भी करना है. तो आपकी लाइफ में जो भी वैल्यूएबल चीज है ना शुभम, उसको आप, इट विल रिक्वायर टाइम, एफर्ट एंड योर एनर्जी टू बी मेंटेन्ड. जस्ट लाइक द फिजिकल बॉडी, आई मीन टू गेट टू योर ट्रांसफॉर्मेशन और एस्थेटिक गोल यू हैव टू वर्क हार्ड. बट लोग को लगता है कि नहीं, बस अभी 3 महीना हो गया, अभी ना आई कैन रिलैक्स, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज यू यूज इट और लूज इट, द मसल इज वेरी सिंपल. यस, सो यू हैव टू कीप. यस, मे बी इट्स नॉट विद द सेम इंटेंसिटी एज बिफोर टू गेट टू दैट गोल, बट देन इट स्टेज एटलीस्ट. जैसे वी सेड, आवर गोल इज टू मेक, और माय गोल इज टू मेक पीपल फॉल इन लव विद फिटनेस. सो इट बिकम्स अ नॉन एफर्ट. यस, सेम थिंग. Same is with the relationships as well, that both the partners, they want to make it work. They want to. They really want to make it work. Then it is not an effort. Correct. नहीं तो क्या होता है शुभम, जैसे ही इंसान की कभी शादी होती है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, एंड द मोमेंट दे हैव चिल्ड्रन, तो वो कहीं ना कहीं कपल स्टार्ट लीडिंग पैरेलल लाइफ्स. वो थोड़े से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी चाइल्ड बन जाता है. सो बातें भी होती हैं सिर्फ बच्चों के बारे में होती हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में होंगी, फैमिली के बारे में होंगी. दे स्टॉप स्पीकिंग अबाउट ईच अदर टू ईच अदर. प्रॉब्लम अगर बात भी होगी तो आपने ऐसा क्यों किया, कोई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मुझे इससे पेन हुई, लेट्स नॉट डू दिस. और वो जब छोटी चीजों में आप स्टार्ट कर दोगे ना, सिंपल चीजों में, और प्यार से कम्युनिकेट करोगे, तो वो कभी भी इशू बड़ा नहीं बनेगा. सो दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल वे, क्योंकि सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होती है. सो दो बहुत ब्यूटिफुल जेस्टर्स होते हैं, एक जेन्युइनली आस्किंग हाउ वॉज योर डे, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना. हाथ से बहुत एनर्जी होती है हमारे हाथों में, एंड लॉट इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम द हैंड्स एज वेल. तो कभी हाथ, कितने टाइम हो गया हाथ नहीं पकड़ा होगा. तो अगर आप देख रहे हो और आपने अपने पार्टनर का हाथ नहीं पकड़ा बहुत टाइम से, तो ये पहले पकड़ लो. तो ये वीडियो के बाद, वीडियो अभी पॉज करके पकड़ भी सकते हो. दे विल सरप्राइज, इनको क्या हो गया. सो उनको भी वीडियो दिखा देना, सो दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाई. एंड दीस स्मॉल जेस्चर शुभम, अ हग. बाय द एंड ऑफ इट वी हग, हमें हग करना भूल गए. वो हस्बैंड या पार्टनर के साथ एक डिफरेंट बॉन्ड होता है, एक डिफरेंट हग होती है. कम से कम 5 नाउ साइड हग नहीं, साइड हग लाइक एल्डरली पीपल के साथ डिफरेंट. वो रिलेशन, वो कम्युनिकेशन अलग है, क्योंकि हमारे जो फिजिकल जेस्चर्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, वो एक मर्यादा कम्युनिकेट करते हैं. विद अ हस्बैंड और अ पार्टनर इट्स अ डिफरेंट हग. विद वेरी क्लोज फ्रेंड्स इट्स अ डिफरेंट हग. मुझे याद है पहले जब when we were of course starting out and you were talking about relationships to me, jab mera tha baat kar rahe the, aapne bola jo partners jo hug karte uska bhi ek significance hota hai. Yes, yeah. jo heart center hai, that should meet, and that is why the side hug is for other people, elderly people, or for whoever who's not your partner, because that is a very sacred and intimate and very intense communication. Yeah. सो यस, जब आप अपने पार्टनर के साथ हग करते हो, देन योर हार्ट सेंटर मीट इज देयर हार्ट सेंटर. वो एनर्जी फ्लो करती है, एंड स्टे देयर फॉर 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स. स्टे देयर एंड फील द एनर्जी फ्लो. लव की एक एनर्जी होती है, वो बातों से होती है, ऑफकोर्स यू नीड टू एक्सप्रेस वर्बली ऑल्सो, बट वो आपके जेस्चर से और भी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस होती है. Appreciate the person. Appreciation एक बहुत important aspect है relationships का, जो क्योंकि granted चीजें ले लेते हैं कि हाँ अभी तो wife हैं, ये husband हैं, ये खाना बनाएंगे, ये काम करेंगे. No, both should appreciate each other. Whoever is doing whatever. Need to say thank you. Yes, say thank you to each other. We actually do this. We practically do this every single day. कि आप अपने partner को thank you बोलिए,
कि जिसने आपको अगर खाना दिया है, चाहे वो हस्बैंड है कि वाइफ है, अगर आपको वो सर्व कर रहे हैं तो आप उनको थैंक यू बोलिए. जो भी काम कर रहे हैं, वो शाम को घर आए, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. ये फॉर्मेलिटीज नहीं है. आई स्टिल रिमेम्बर जब हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, तो जो एडिट कर रहे थे, जो हमें जो यूट्यूब में हेल्प कर रहे हैं, वो पूछ रहे थे कि आप इतना फॉर्मली बात कैसे करो शिवम से, आप उनको आप बोलते हो, बी योरसेल्फ. ऐसे नहीं, मैं डेली लाइफ में भी हम एक दूसरे को आप ही बोलते हैं, हम कभी तू बोलते ही नहीं एक दूसरे को. सो अंडरस्टैंडिंग कि ये रिलेशनशिप एक सेक्रेड रिलेशनशिप है, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, एक दूसरे में आप ईश्वर का तत्व देखते हो, सो यू फील दैट डिविनिटी इन योर पार्टनर एज वेल, तो रिस्पेक्ट कैसे नहीं आएगी. और इसी के साथ बहुत जरूरी है कि आप जो मैरिजेस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ के बारे में जो जोक्स बनते हैं ना शुरू, वो जोक करना छोड़ दीजिए. आप वो रिलेशनशिप को ना बहुत ट्रिविलाइज कर रहे हो, बहुत छोटा बना रहे हो. कि बीवी मायके जाएगी तो खुशी होगी, पीपल्स फेवरेट पास टाइम, जब मेन मिलते हैं तो दे हैव ऑल द जोक्स अबाउट द वाइफ्स, वाइफ्स मिलते हैं दे हैव ऑल द ridiculous things to say about their husbands. Don't do it. क्योंकि वो वाक है, वो स्पीच है, वो हो जाएगा. अब अगर आपको आपकी कॉन्वर्सेशन में लगता है वो ही सो अनोइंग और शी सो अनोइंग, वो बन जाएंगे अनोइंग. अगर वो अनोइंग हो रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को बोलोगे कि दुनिया को बोलोगे, कम्युनिकेट टू योर पार्टनर, डोंट बी दिस वे. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाई द रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ हैज़ टू बी इन अ ब्यूटिफुल स्पेस, क्योंकि जैसा रिलेशनशिप उन दोनों का होगा वही इम्प्रिंट उनके बच्चों में आएगा कि रिलेशनशिप ऐसा होता है. तो अगर बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, गुस्से रहते हैं, ड्रिफ्टेड हैं एक दूसरे से, डिस्कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो उनके माइंड में जो पैटर्न्स बैठते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में वो वैसे ही होंगे. एंड वी ऑल नो मैनिफेस्टेशन में पैटर्न्स की कितनी वैल्यू है. तो एक और एक्टिविटी है विच आई वुड वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू ट्राई, कि आप एक वर्ड लिखिए रिलेशनशिप, एक वर्ड लिखिए लव, एक वर्ड लिखिए हस्बैंड या वाइफ, और पहले तीन शब्द जो आपके माइंड में आए बिना सोचे, रिस्पॉन्स क्या आती है आपकी, इन इमिजिएट रिएक्शन क्या होता है, वो तीन शब्द आप लिखें. डिफॉल्ट सेटिंग आपको आपकी पता चल जाएगी, क्योंकि कई बार लोग लव लिखते हैं, नीचे लिखते हैं पेन, सफरिंग, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वैसा रहा है. और फिर इवैल्यूएट कीजिए कि कितना इसमें से आपका एक्सपीरियंस रहा है और कितना आपने ये ऑब्जर्व करके अपना एक्सपीरियंस बनाया. कई बार देखो कि नहीं मैंने तो नहीं किया ये, लेकिन मॉम को, मॉम्स लाइफ वॉज लाइक दिस, या डैड यूज टू फील दिस वे. तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप है, इट हैज टू बी इन अ वेरी positive space, so that their children's patterns are also positive. But make sure you take out time for your relationship. Time of your relationship, ye nahi ki let's go for a holiday. Aur holiday pe bhi gaye ho to dono phone pe baithe ho. Ya to fir apne doston ke saath ya dusre couples ke saath gaye ho. That is also fine, but udhar bhi. And yes, very important aspect, Shivoham, ki kitna bhi aapne ek dusre ke saath jhagda kar lo, एक यू डोंट क्रॉस अ लाइन, और दूसरों के सामने नेवर डिसरिस्पेक्ट योर पार्टनर. वो आपके पार्टनर को 10 गुना ज्यादा हिट करेगा और हर्ट करेगा. यू नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी. पर्सनली तो वैसे भी नहीं करना है, बट आप थोड़ी लिबर्टी ले सकते हो, गुस्सा हो रहे हो, लेकिन दूसरों के सामने अगर आप वैसा बिहेव करोगे तो उनको और भी ज्यादा हर्ट करेगा. और बच्चों के सामने अगर आप अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो इट इज वेरी वेरी बैड, क्योंकि फिर बच्चे भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे. तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स. यू राइट, यू विजुअलाइज, यू पुट एफर्ट इन टू योर रिलेशनशिप, बिकॉज एंड में कौन रहने वाला है एंड तक? बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ बिजी हो जाएंगे, पेरेंट्स विल हैव देयर ओन डेस्टिनी. व्हेन एवरीथिंग इज मैनेज्ड वेल, योर पार्टनर इज गोइंग टू बी विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, होपफुली. एंड येस, अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि आपने पूरा एफर्ट डाला एक रिलेशनशिप में, सब कुछ सही किया, बट येट पीपल विल ड्रिफ्ट. ऐसा इसमें हमें कर्म समझना पड़ता है शिवम. आपका जिस इंसान के साथ जितना कर्म लिखा है वो उधर तक ही जर्नी चलेगी.
बट आपको समझ आएगा कि एक कार्मिक कंप्लीशन है व्हेन यू पार्ट वेरी अमिकेबली. आप आराम से आपका जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी आपका डिसीजन है कपल के बीच में, वो इतना एमिकेबल होगा, यू विल नो कि ये कंप्लीशन हो रही है. इट्स अ कंप्लीशन एंड देन यू कैन वर्क ऑन योर व्हिचएवर न्यू स्पेस यू आर लुकिंग फॉर. बट इट विल बी वेरी म्यूचुअल एंड इट विल बी अ फीलिंग ऑफ दिस इज फुलफिलमेंट. वेरी राइट, फुलफिलमेंट. और स्पेशली व्हेन वी कम टू मैरिड कपल्स एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर हस्बैंड्स, क्योंकि लाइफ में पैसा सबको चाहिए, लक्ष्मी जी की जरूरत सबको है. तो मेक श्योर दैट यू ट्रीट द लक्ष्मी जी इन योर हाउस वेरी वेल. सो वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो लक्ष्मी है, आपकी जो वाइफ हैं, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें. ये वीनस की रेमेडी होती है कि आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करें, उनको एक्चुअली यू गिफ्ट हर विद थिंग्स, यू गिव हर रेगुलर गिफ्ट स्पेशली ऑन अ फ्राइडे, यू गिफ्ट हर समथिंग वाइट ऑन अ फ्राइडे. एंड ये आप रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा, इट विल एनीवेज इंप्रूव योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर. आई थिंक आपने काफ़ी कुछ बताया है फॉर पीपल टू प्रोसेस, फॉर पीपल टू थिंक अबाउट देयर रिलेशनशिप्स एंड डू अबाउट इट. जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, हाउ टू अट्रैक्ट, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, टू टेक सम टाइम टू प्रोसेस एवरीथिंग दैट यू सेड, थिंक ऑफ इट by themselves and of course sit with their partner to communicate. अगर कुछ गिले शिकवे हैं तो बैठ के आपस में डिस्कस करें उसे, और इनिशियल स्टेज पे डिस्कस करें कि ताकि वो बात बड़ी बने ना. तो बिफोर वी कंप्लीट दिस एपिसोड, मे बी यू कैन गिव द कपल सम होमवर्क, फाइव थिंग्स दैट दे कैन, वेरी सिंपल थिंग्स दैट दे कैन डू एवरी सिंगल डे विच विल मेक देम रियलाइज ईच अदर्स वैल्यू, देयर वर्थ, and just increase the gratitude for having them in their life. Maybe five simple things. The first thing is aapko clear hona padega. You become very clear what you want from this relationship. And like I said, you write down all those things. Next thing is you become those things. Ye couples pe bhi apply karta hai. You become the caring person, you become the loving person, you become the respectful person. Third is express gratitude to the other person. And I always suggest कि couples साथ में बैठ के ये करें. तो अगर किसी की wife देख रहे हैं या husband हो आप अपनी wife को या husband को ये video जरूर दिखाना. And then you can sit together and do the practice. क्योंकि ताली दोनों हाथ से ही बजेगी, एक हाथ से नहीं बजती है. And it becomes very beautiful जब couples साथ में काम करते हैं अपने आप पे, दूसरे पे नहीं. No finger pointing, आप अपने आप को सुधारो. And then have some spiritual connection with each other. चाहे वो मंदिर जाना है, साथ में जाना है, या अच्छी बातें करना है, वो जरूर करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ यू वाइंड अप द डे, वाइंड अप द डे विद ऑलवेज एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टू द पर्सन, सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ. और एक अच्छा सा हग दें उन्हें, एंड जस्ट गिव अ वार्म हग एंड स्टे इन द हग फॉर 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स तो कर सकते हैं, 5 सेकेंड्स आराम से कर सकते हैं. प्लीज ट्राई दिस, डू ट्राई दिस एट होम. दिस इज द वन थिंग यू एब्सोल्युटली ट्राई एट होम. हाथ पकड़ें, गिव अ हग, स्माइल. अरे लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी नहीं है, क्योंकि माइंड में उनको पता नहीं क्या चलता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू कैन ट्राई. प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि हाउ यू फेल्ट, हाउ योर पार्टनर फेल्ट. आपको कोई इंप्रूवमेंट महसूस हुई, प्लीज डू शेयर इट विद अस. Superb. So I think with that we come to the end of this episode. Or I think ye episode bahut hi important hai hum sab ke liye, because we human being is a social animal, and I think that society for a human being on that relationship starts at home. But before it starts at home, it actually starts with yourself. So Vrinda has just spoken about how you can improve your relationship with yourself. And then, of course, improve the relationship with the next best thing in your life, which is your partner. With that, I'm Shivoham. And I'm Vrinda. And this is us signing off for now. Remember to like, subscribe and share. Or agar aap koi aisa topic hai jiske baare mein thoda sa aur sunna chahte hain, then please put it down in the comments. We will try our best to make a video on that. Thank you. Have a beautiful day. Take care. Thank you.